A to Z ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और आने वाले 100 सालों में क्या होगा, इस प्रकार की महत्वाकांक्षी इंस्टीट्यूशन ये बनेगा। सिन्हा जी, हम छोड़ दे कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं, हम निस्संदेह के हम ही खड़े हैं और कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में यूरोप की सीमा है एक एनर्जी कन्वर्जन करने के लिए, उनको उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है अभी। उनकी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगी अगर वो ग्रीन पे जाएंगे तो फुल स्केल में, उनकी पुराने बिजली पुराने एनर्जी सोर्सेस को बंद करके सस्टेनेबिलिटी न्यू ग्रीन एनर्जी की ओर जाएंगे, उनके वहां बिजली क्राइसिस होगा, पावर क्राइसिस होगा, वो बीचों बीच रहेंगे, वो सैचुरेटेड है। नई प्रकार की एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर के साथ कहीं एक मॉडल लायक ग्रोथ है तो भारत में है, जिसको आगे चल के साउथ पूरा संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया और संपूर्ण अफ्रीका, जो आबादी की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ऐसे ही नहीं कहा है कि ग्लोबल साउथ की हम एक लीडरशिप देंगे, हमारी दायित्व तो है विश्व की गरीब तबके के लोगों को सस्टेनेबल एनर्जी अफोर्डेबल कॉस्ट में, इसलिए हमने ग्लोबल बायोफ्यूल आइलैंड्स की बात कही है, इसलिए हमें इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स की एनविजन किया है, इसलिए भारत में हम लोगों ने नेशनल गैस ग्रिड की बात कही है, और गैस ग्रिड की बात कहते हुए यह कहा है उसमें कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के साथ साथ कंप्रेस बायोगैस भी जाएगा। सीबीजी पॉलिसी, सतत पॉलिसी हमारी पिछले 7-8 सालों में ही बनी है। वेस्ट टू वेल्थ, गोवर्धन स्कीम, ये सब एक एक पिलार है सस्टेनेबिलिटी की। शायद आजादी के उपरांत लास्ट 75 सालों में, मैं भारत के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी सरकार, सरकारें दुनिया में कई प्रकार की है, कोई भी सरकार एक इतने कम समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए इतनी बड़े लीप फ्रॉगिंग नहीं किया होगा। मैं अपेक्षा हमारी रहेगी कोटा स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी उसकी इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में भी सोचेगा। भारत की केस स्टडी, हम भारतीयों को इनोवेशन अच्छा से आता है, पैकेजिंग नहीं आता है। अभी हमारी 21st सेंचुरी की प्रारंभ में हम जब इकट्ठा हुए हैं, हमारी दायित्व बनती है, हमारी जो मॉडल है यह विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए रोल मॉडल है। इसलिए मेरा तो अपेक्षा है कि ये कानपुर IIT की सस्टेनेबिलिटी की स्कूल केवल भारत की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा, ग्लोबल लीडरशिप देगा इस फील्ड में, क्योंकि कानपुर IIT की इतिहास है। कानपुर IIT की एल्यूमन दुनिया की सभी प्रभावशाली स्थान पर बैठे हैं, और आने वाले 20-25 साल में जो कानपुर IIT की नई पीढ़ी के लोग बनेंगे वे सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल सस्टेनेबिलिटी से जुड़े होना चाहिए, उनके लिए कमर्शियल कमोडिटी या कोई प्लेसमेंट कैरियर के लिए विषय नहीं होनी चाहिए। और अभी तो देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फ्रेमवर्क के तहत हम नया पाठ्यक्रम भी बना रहे हैं स्कूल बच्चों के लिए, और मैं जब यहां आपके पास आए हूं, मेरा अपेक्षा रहेगा और मेरे सुझाव रहेगा, आप जब तक KG-1 के बच्चे को सस्टेनेबिलिटी से नहीं जोड़ोगे, उसको एक मैच्योर स्टेज पे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। उसकी कैरिकुलम की प्राइमरी कैरिकुलम से लेके एडवांस रिसर्च तक, और विश्व को ध्यान में रखते हुए, जब हम पहले बचपन में पढ़ाई करते थे, हमारी पढ़ाई फिलोसॉफिकली ग्लोबल था, आज तो ये डिसरप्टिव जमाने में ये फिलोसॉफिकली बचा नहीं है, जो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, तो प्रैक्टिकल है। हम जो कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, सच में मुट्ठी में। आज भारत में बैठ के नौजवान Tier 2 Tier 3 सिटी में बैठ के दुनिया की ग्लोबल टाइमिंग के हिसाब से अपना ड्यूटी कर रहा है, कभी सुबह उठ के काम कर रहे जहां
दिन हुआ है, कभी देर रात तक काम करता है जहां सुबह हुआ है। इसलिए भारत की मॉडल, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, भारत की रिसर्च, भारत की प्रैक्टिस आने वाले दिनों में विश्व की दायित्व लेने वाला है। और मैं फिर कहूंगा कानपुर आईआईटी का उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, केवल बेसिक आरएनडी में नहीं। और यहां कोटक ग्रुप को धन्यवाद देते हुए, सिन्हा जी आप भी तो धनी आदमी हो, पूरा सेल आपके पास है, सेल के अंदर इतने अभी बर्डन ज्यादा नहीं रहा है। मैं जब दायित्व में था, मेरे सौभाग्य है मैं स्टील भी कुछ दिन काम देखा था, स्टील में जब मैं था तब स्टील सेल के ऊपर अकेला बर्डन 50,000 से ज्यादा था। बहुत धन्यवाद, मैं तो अभी शिक्षा में हूं तो हमें जितना दान मिलेगा उतना ही अच्छा है। और ये वर्तिका जी कानपुर की पढ़ी हुई कहती है, मेरे को पता नहीं सच में पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सीएसआर जब देगी तब मेरे को पता चलेगा कि भाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। और केवल और यहां बैठे हुए कई सारे लोग, कोटक ने अच्छा काम किया है, कोटक महिंद्रा ने अच्छा काम किया है, कोटक ग्रुप ने, कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। जैसे ही बेसिक आरएनडी में आप सबकी कंट्रीब्यूशन से ये मॉडल डेवलप हो रहा है, ये सब एनईपी में सोसाइटल कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ेगा। वैसे ही एक सेक्टर में जिसकी काम संयोग से मेरे पास भी है, वो स्किल डेवलपमेंट। हमारी पूरा वर्कफोर्स को ग्रीन वर्कफोर्स बनानी है, इसके अर्थ नहीं सबको ग्रीन की टी शर्ट पहनाना है, उनको मन से अपने छोटे छोटे पहल से नज थ्योरी उनके अंदर भी डालनी है, छोटा पहल से लाइट ऑफ करके जाओ वो ग्रीन स्किल के अंतर्गत होनी चाहिए। वेस्ट टू वेल्थ रैग पिकर भी आगे चल के लक्ष्यपति बन सकता है, ये कल्पना इसके मॉडल आज संभव है। इसलिए इसमें भी इन दिनों में भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और आईआईटी कानपुर एक समझौता किया है, आईआईटी कानपुर को एक इंस्टीट्यूशन बना के दिया गया है जिसमें अभी तो प्राइमरी डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कल्पना की गई है। हमारे हाल और दोसों ये दोनों कंपनियों की कोऑपरेशन उसके साथ है। ऐसे ही और कानपुर आईआईटी में मैं गया हूं, कानपुर आईआईटी आप सभी के नेतृत्व में देश की एक नंबर आईआईटी होनी चाहिए। और कानपुर आईआईटी की मैं आज आउटसाइडर, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, कानपुर आईआईटी की स्टूडेंट्स कम बाहर गए हैं। आईआईटीएंस की एक समय में था भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है ये कह के बाहर जाते थे, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, इन दिनों में तो ये बहुत घटा है। लेकिन उनमें से अगर मैं थोड़ा समीक्षा करता हूं, इन कंपैरिजन जो 5-6 बड़े बड़े आईआईटी प्रारंभिक दिनों में बनी, इन कंपैरिजन बाहर जाने वाले लोग कानपुर आईआईटी से कम थे, सब यहीं रहे, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी था। ये सिन्हा साहब अगर अमेरिका जाते तो शायद वो बिलियनर हो जाते अभी बे एरिया में, वो भारत सरकार की काम किए। वर्तिका जी यहीं हमारी EIL चलाई, ये सब अच्छा कर सकते थे। इसलिए कानपुर आईआईटी की एक सोशल बिहेवियर भी है। मैं शुभेच्छा देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आप सभी को, आप यहां आए। और आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी हम लोगों के लिए एक स्लोगान, एक पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी नहीं, हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रतिबद्धता हो। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।